बाकी जिसको मर्जी है वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकता है। अच्छा, तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में बात किया था। अब बेसिकली तीन तरह के फोर्सेस हैं। वेट, ये वेट कौन अप्लाई करता है? वेट अप्लाई करता है अर्थ। जो अर्थ होगा वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे वेट अप्लाई करता है। सेकेंड जो फोर्स है वो है टेंशन। टेंशन इंटरनल फोर्स है विद इन द थ्रेड, विद इन द थ्रेड इंटरनल फोर्स है टेंशन। और एक और कॉमन फोर्स जो होता है वो होता है नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या होगा, हमेशा याद रखेंगे, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। और ये नॉर्मल होने के लिए ना दोनों सरफेसेस को एक दूसरे को प्रेस करना होना चाहिए। मतलब ऐसा, अगर सिर्फ कांटेक्ट है और अगर प्रेस नहीं कर रहे तब वहां पे नॉर्मल जीरो होता है। अगर एक मिनट रुक जाओ। हेलो, हाँ हाँ मैम, क्लास है अभी, क्लास चल रही है। ठीक है, 10 क्वेश्चन ना, ठीक है मैम। हाँ ठीक है, ठीक है मैम। आंसर्स फिर आपको नहीं भेजना है, तो फिर आंसर्स किसके पास रहेगा? अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है मैम, मैं क्लास के बाद भेज दूंगा। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सर्फेस। ये बेसिकली ये तीन फोर्सेस होते हैं जिसमें आप देखोगे तो 60-70% ऑफ योर क्वेश्चंस जो होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे एनएलएम टेंशन सिर्फ थ्रेड में ही होता है क्या? मतलब और कहीं पर भी नहीं होता? के। तुम रॉड वगैरह में भी यूज कर सकते हैं, हम लोग जो रॉड होगा उसमें भी टेंशन के बारे में बात कर सकते हैं। बेसिकली टेंशन जो होता है वो थ्रेड में ही बात करता है और कहीं नहीं, ठीक है ठीक है सर। ना? ओके okay. अब ये जो टाइप ऑफ फोर्सेस है इनको यूज करके हमें क्या करना है, हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखना है। फ्री बॉडी डायग्राम। अब फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगने वाले सारे फोर्सेस को आपको क्या करना है, एरोस के हेल्प से रिप्रेजेंट करना है। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब हो गया, तो डायग्राम ऑफ एनी पार्टिकल लिख लेते हैं। डायग्राम ऑफ एनी पार्टिकल विथ, डायग्राम ऑफ एनी पार्टिकल विथ ऑल द फोर्सेस, विथ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट, ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम में याद रखना है, हमें सिर्फ वही फोर्सेस को दिखाना है जो उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट हो रहे हो। उस ऑब्जेक्ट ने जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया है वो हमें रिप्रेजेंट नहीं करना। अब जैसे मान लो, एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या है। तो सिंपल एग्जांपल हम ऐसा मान लेते हैं कि सपोज सरफेस था, इस तरह का सरफेस है, ठीक है? और सरफेस पे हमने क्या किया है, सरफेस पे हमने ब्लॉक इस तरह से प्लेस कर दिया है। सरफेस है और सरफेस पे हमने क्या कर दिया, एक एम मास का ब्लॉक प्लेस कर दिया। अब ये बोला गया है कि ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर दिस एम मास ब्लॉक। ये जो एम मास का ब्लॉक है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इसका मतलब क्या है, इस ब्लॉक पे लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं वो आपको दिखाना है। तो अगर आप देखोगे तो सबसे पहला फोर्स जो हम दिखाएंगे, अब किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ जो है वो अपनी तरफ पुल कर रहा है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या करता है, अपनी तरफ पुल करता है। और जिस फोर्स से अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करता है, दैट फोर्स इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला फोर्स जो मैंने दिखाया है यहाँ पे, सबसे पहला फोर्स क्या है, वो है ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशन। वेट। हाँ, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स या ऑब्जेक्ट का वेट, जो अर्थ अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, जिस फोर्स से ये अट्रैक्ट कर रहा है, इस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, इस ऑब्जेक्ट का वेट।
तो सबसे पहला फोर्स जो आप हमेशा दिखाओगे वो दिखाना वेट। फिर और क्या है, अगर आप देखोगे तो ये जो सरफेस है जिसपे ब्लॉक रखा हुआ है और ये जो ब्लॉक है दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट बन रहा है। अभी मैं जानबूझ का क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा गैप दिखाता हूँ बस मुझे ये बताने के लिए कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट है। अब इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट है, अगर अगर इन दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट के कारण क्या होगा, एक फोर्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट आएगा और ये जो फोर्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट है वो क्या होगा, नॉर्मल होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एम मास के ब्लॉक पर इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रहा। एक फोर्स सरफेस इसके इस पे लगा रहा था इन द अपवर्ड डायरेक्शन और दूसरा फोर्स अर्थ इस पे अप्लाई कर रहा है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये दो फोर्सेस के अलावा इसमें और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहे, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा हो गया। तो फ्री बॉडी डायग्राम में आप क्या करोगे, सिर्फ ये ऑब्जेक्ट बनाओगे और इसमें जो भी फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो दिखा दोगे। एक तो इसका वेट एक्ट हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, इसमें नॉर्मल एक्ट हो रहा है। आया क्या समझ में? यस सर। क्लियर है सबको? सर ओके, मान लो मैं बोलता हूँ कि पुली, पुली के बारे में जानते हैं क्या? पुली सर, हाँ सर, पुली देखा होगा, गांव आओ गए होगे कभी तो पुली देखा होगा, वहां पे कुएं में लगा होता है। अब ये जो पुली है कुछ नहीं मेंशन, मतलब ये पुली कैसा है, आइडियल पुली। अब आइडियल पुली की क्या क्या कहानी है, अगर ये पुली आइडियल है, अगर ये पुली आइडियल है तो आइडियल पुली में आपको कुछ बातें याद रखना पड़ेगा। तो एट्रीब्यूट्स ऑफ आइडियल पुली, स्प्रिंग मासलेस होगा। बिल्कुल, आइडियल पुली जो है वो भी मासलेस होगा, स्ट्रिंग नहीं बोलेंगे, पुली के बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग तो इसके ऊपर लगाएंगे वो बाद में लगाएंगे, आइडियल पुली इज मासलेस। सबसे पहला पॉइंट जो आप पुली के बारे में याद रखोगे, अगर ये पुली आइडियल है तो उसका कोई मास नहीं होगा। दूसरा, पुली फ्रिक्शन नहीं होगा, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा। वेरी नाइस, कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन लेस होता है ये जो पुली है वो क्या होगा, फ्रिक्शन लेस होगा। और क्या बोल सकते हैं, मासलेस है, फ्रिक्शन लेस है, बस इतना ही बोल सकते हैं। जो आइडियल पुली होगा इसके बारे में दो बातें याद रखेंगे, एक तो पुली का कोई मास नहीं होना चाहिए और दूसरा पुली के पास कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अब पुली में क्या करते हैं, पुली बिना धागा के इनकम्प्लीट है, जैसे दिया के बिना वो जो बाती होती है वो इनकम्प्लीट है, उसी तरह पुली जो है वो धागे के बिना इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे आप देखोगे पुली से लटका होता है धागा इस तरह से। अब ये धागा इधर गया, घूम के इधर गया ऐसे। अब ये जो पुली है, मान लो इस पुली में क्या करते हैं, दो ब्लॉक्स अटैच कर देते हैं, इधर अटैच कर दिया M1 और इधर अटैच कर दिया M2। और ऐसा मान लेते हैं पुली क्या है, पुली पुली एक अरेंजमेंट है, पुली एक डिस्क के शेप का होता है। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो पुली कैसा बता, ये देखो ये जो बॉटल कैप है ना, गांव में वेल क्यों आप, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह का एक अरेंजमेंट होता है और यहाँ पे ना गैप होता है, ये दो मेटल के ऐसे डिस्क होते हैं और दो मेटल के डिस्क के बीच में एक हल्का सा गैप होता है, उस हल्के से गैप में रोप को क्या करते हैं, फंसा देते हैं। अब पुली एक तरह से क्या करता है ना, ये जो ह्यूमन एफर्ट है उसको आसान कर देता है। जैसे क्या है ना, कुएं से पानी, जब आपको कभी किसी ने कुएं से पानी भरा है, भरा है क्या कुएं से पानी, कुआं देखा है, पानी भी निकाला, इतने शहरी अभी नहीं हुए होंगे कि शायद कुआं नहीं देखा। अब ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने कुआं नहीं देखा तो उसने अपना जिंदगी खराब कर लिया, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर कुआं देखा होगा तो कुआं से जब पानी निकालते हैं ना, तो मान लो पुली नहीं है तो आप रोप को ऐसे ऊपर खींचते हो, तो जब आप रोप को ऐसे ऊपर खींचते हो ना तो रोप भी आपको नीचे खींचती है, तो गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं या एफर्ट आपको ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जब ये पुली अरेंजमेंट होगा ना, पुली अरेंजमेंट कैसा होता है, ऐसा होता है, ये पुली लगा हुआ होता है, फिक्स होता है, पुली का एक एंड यहाँ पे चला जाता है पानी भरने, ठीक है, पुली का एक एंड बाल्टी से लगा होता है, ये बाल्टी है, इस तरह का बाल्टी होता है जो भी है, और एक एंड यहाँ पर होता है जिसको, अरे वो अभी एक हरियाणवी सॉन्ग था जो बहुत चलता था, क्या नाम था उसका, पानी गजबन पानी, गज का दामन, हाँ, गज का दामन, गज का दामन नहीं है, गज का दामन ही था क्या, हाँ गज का दामन में ही तो है, पानी भरने नहीं जाऊंगा तैयार होके जाऊंगा, ऐसा कुछ है ना उसमें, हाँ तो उसमें देखो, उसमें पुली दिखाते हैं भाई। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ गाने सुनो, फिल्में देखो, बहुत जरूरी है, अगर नहीं देखोगे ना तो फिजिक्स सीख ही नहीं पाओगे। अब ये पुली क्या होता है ना, एक मेटल का एक्सल होता है जिसपे ये फिक्स होता है, जिसके अबाउट ये पुली ऐसे ऐसे रोटेट करता है।
अब ऐसे आप इधर इसको खींचोगे तो पानी ऊपर चढ़ेगा, तो ये अरेंजमेंट होता है पुली का। आया क्या समझ में? अब जिसने पुली नहीं देखा है वो क्या करेगा, आज वो गाना सुनेगा। अब कौन सा गाना है मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 52 गज का दामन है शायद, वही उसी में है शायद। हाँ वही गाना। हाँ तो 52 गज का दामन, पैर मटक चलूंगी, ये जो गाना है इसको आप देखना, माई पर्सनल रिकमेंडेशन। अरे ये जाके मेरा पीछे। हाँ अब मान लो ये जो पुली है, अब अपने को क्या बोला जाएगा, अपने को बोला जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम बनाने को। किसका? तो बोला गया है, मान लो मुझे बोला गया है कि ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1, M2 एंड पुली। M1 मास, M2 मास और ये जो पुली है, इन तीनों का अपने को क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अब अगर मैं M1 वाले मास का फ्री बॉडी डायग्राम बना, तो M1 वाले मास में क्या करोगे, जितने भी फोर्सेस जो M1 वाले मास में लग रहे, क्या क्या लग रहा है, तो सबसे पहला फोर्स इसका दिखाएंगे, इसका खुद का टेंशन लग रहा है और M1G लग रहा है। अब देखो, अब ये M1G क्या, और सर दोनों का टेंशन सेम होगा ना? बिल्कुल, अगर ये रोप अगर रोप मासलेस है तो जितना टेंशन यहाँ पर है उतना ही टेंशन यहाँ पर होगा, उतना ही टेंशन यहाँ पर, उतना ही टेंशन यहाँ पर, थ्रू आउट द स्ट्रिंग क्या होगा, टेंशन का वैल्यू सेम होगा। तो अगर ये M1 मास का ब्लॉक है तो सबसे पहला फोर्स आप दिखा दो इसका वेट। फिर हमेशा मैंने आपको बताया टेंशन की टेंडेंसी हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होती है, तो यहाँ पे जो टेंशन होगा वो इस डायरेक्शन में, पुली से जो टेंशन लगेगा वो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे जो टेंशन लगेगा वो इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो टेंशन लगेगा वो इस डायरेक्शन में। यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, यहाँ पे भी टी, हर जगह टेंशन का वैल्यू सेम है, लेकिन टेंशन का जो डायरेक्शन है वो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट के ऊपर। हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आपको क्या करना है, टेंशन को रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आप इस M1 ब्लॉक को देखोगे तो M1 ब्लॉक पे सिर्फ दो फोर्सेस लग रहे हैं। ये जो M1 ब्लॉक है, M1 ब्लॉक पे सिर्फ दो फोर्सेस लग रहे हैं। क्या क्या फोर्स लग रहा है? एक फोर्स इस पे लग रहा है M1G इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और दूसरा फोर्स इस पे लग रहा है टेंशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इसके अलावा M1 वाले ब्लॉक पर और कोई फोर्स नहीं लग रहा। तो हमने क्या किया, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया फॉर M1। उसी तरह मान लो बोला जाए जो M2 ब्लॉक है, M2 वाले ब्लॉक में क्या करना है, M2 वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाना है तो M2 वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो एक तो दिखाएंगे इसका वेट M2G, ऊपर वाला टेंशन, टेंशन। पता है मेरे को जो पड़ोस वाले लोग हैं ना, उन्होंने टाइम बांट रखा है गानों का। सुबह के टाइम में वो शायद जो 90s 80s वाले लोग हैं वो लोग गाने सुनते हैं। वो लोग कौन से गाने सुनते हैं, दुश्मन ना करे दोस्त ने ऐसा काम किया है, तो बहुत धोखे मिले शायद उनको लाइफ में। और अभी जो छोटे छोटे बच्चे लोग हैं वो गाने सुन रहे हैं, दूसरे के प्यार में गिरने से तुझे बचा रहा हूँ, ये गाने चल रहे। तो ये लोग मेरे को पूरा अच्छा फील महसूस कराते हैं, मेरे को ना ही पुराना फील करने देते हैं ना ही नया फील करने देते हैं, अच्छा लगता है मेरे को, अच्छे पड़ोसी मिले हैं मेरे को। वो अलग बात है कि मेरे क्लास के टाइम पे ही गाना बजा देते हैं, कोई बात नहीं, अच्छे पड़ोसी हैं जो भी है। तो M1 मास का फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा है, टेंशन ऊपर M1G नीचे, M2 मास का फ्री बॉडी डायग्राम ऐसा है। अच्छा और एक चीज देखो, ये जो पुली है ये पुली मासलेस है। मान लो मैं ऐसा बोलू, मैं बोलू कि इफ नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, मान लो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, ऐसा बोल सकते हैं क्या? हाँ या ना? नेट फोर्स का मतलब क्या हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा अब मास इनटू एक्सेलरेशन का जो प्रोडक्ट है अगर वो जीरो आ रहा है, इसका मतलब यहां से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि डेफिनेटली मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तभी क्या हो रहा है, पार्टिकल के पास नेट फोर्स जीरो। या आप ये भी कंक्लूजन कर सकते हो कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज जीरो, बोल सकते हैं ना ऐसा? अच्छा नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम। अगर किसी भी पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, मतलब वो इक्विलिब्रियम पे है। अब इक्विलिब्रियम पे है तो देखो, यहाँ पर ये जो पुली मैंने बनाया है, यहाँ पर पुली मासलेस है। अगर पुली मासलेस है तो पुली पे लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा क्या?
समझ में आ रहा है सबको? अगर ये पुली, इफ दिस पुली इज मासलेस, तो पुली पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, अगर मुझे फ्री बॉडी डायग्राम पुली का बनाना है, तो देखो अगर इस पे नेट फोर्स जीरो होना है, इसका मतलब क्या है, जितना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में भी होना चाहिए। तो ये टी और ये टी, इसका मतलब यहां पर एक टेंशन होगा, सीलिंग से आपने पुली को बांध के रखा होगा, तो यहां पर एक टेंशन होगा जिसका वैल्यू टू टी बोल सकते हैं क्या? नहीं आया, ऐसे समझ में? ये समझ में आ रहा ना, ये टू टी कैसे आया? देखो इधर भी एक टी है और इधर भी एक टी है, तो टी प्लस टी अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और मैं चाहता हूं कि ये पुली को इक्विलिब्रियम में रहना है, तो जितना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में भी होना चाहिए ना। तो समझ आ गया, आ गया समझ में? तो अगर मैं पुली के बारे में बात करूं, तो पुली का मेरे को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अब पुली का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इसका मतलब पुली पे लगने वाले जितने भी फोर्सेस हैं वो सारे दिखाने हैं। तो अगर दिस वॉज द पुली, पुली को यहां से सीलिंग से ऐसे बांध करके रखा है, ये इसका फर्स्ट आर्म है, ये इसका सेकेंड आर्म है। अब पुली का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, एक टेंशन यहाँ पे लग रहा है टी, एक टेंशन यहाँ पे लग रहा है टी, और एक टेंशन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में लगेगा टू टी। तो ये पुली का क्या हो गया, फ्री बॉडी डायग्राम। पुली का कोई वेट दिखाएंगे क्या इस बार? क्योंकि वो मासलेस है ना, वो मासलेस है, अगर वो मासलेस है तो उसका कोई वेट होगा नहीं ना। तो दिस डायग्राम इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली। आया क्या समझ में? हाँ बोलो। ये अपवर्ड डायरेक्शन में है ना टू टी जो है, और तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी होगा ना कुछ फोर्स। हाँ तो है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में टी और टी। नहीं मतलब वो, मतलब जहाँ पे पुल लगा हुआ है पुली पे। अच्छा इधर बोल रहे हो ना? हाँ सर। तो वो तो सीलिंग पे लग रहा है ना? हाँ सर। वो जैसे पुली क्या कर रहा है, पुली सीलिंग पे लगा हुआ है, तो वो जो रोप है जिससे सीलिंग और पुली को आपने बांध के रखा है, वहां पे टेंशन कितना है टूटी का। तो अगर आप पुली के लिए दिखाओगे तो सिर्फ ये वाला टेंशन दिखाओगे ना, ये वाला जो टेंशन है जिसका एरो मैंने ऐसे बनाया है वो तो सीलिंग पे लग रहा है ना। आया समझ में? यस सर। ओके अच्छा, अगर ये समझ में आ गया है तो मैं आपको बोलूंगा कि एक डायग्राम मैं दे रहा हूँ, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखो। नहीं समझ में आएगा एकदम टेंशन नॉट, मैं बताऊंगा ठीक है। मान लो ऐसा है डायग्राम, इधर एक फोर्स लगा दिया F, सपोज दिस वन इज M1 मास एंड दिस इज M2 मास, ठीक है। तो ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M1 एंड M2। Draw the free body diagram of M1 and M2. Sir, ये M1 surface से लगा हुआ है या? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल surface से लगा हुआ है। M1, M2 दोनों surface से लगा हुआ है। Surface पे लगा हुआ है। M1, M2 के बीच में line क्या है? वो धागा है, thread है जिनसे दोनों को बांध के रखा है, टूटेगा नहीं। एक thread है यहाँ पे। Thread stretched है। हो गया sir। Thread है हाँ। Complete sir। हो गया, बना लिया क्या? यस सर। अच्छा ठीक है, हम लोग मैच करेंगे ठीक है, मैं ड्रॉ करूंगा फिर देखना कि आपने सही बनाया या गलत। मेरा भी हो गया। M1 का अलग बनाना है, M2 का अलग बनाना है, दो लोगों ने बोला कि उन्होंने बना लिया है, बाकी लोग? हाँ सर हमने ये बना लिया। तीन हो गए। यस सबसे पहला फोर्स मैंने इसका दिखा दिया, जो फोर्स किसी बाहर से किसी एजेंट ने अप्लाई किया था, ये एक्सटर्नल फोर्स है जो एम वन पे लग रहा है। अब जैसे ही एम वन की टेंडेंसी आगे जाने की होगी, इस वाले थ्रेड में इलोंगेशन की टेंडेंसी लगेगा, तो इलोंगेशन की टेंडेंसी मतलब यहाँ पे टेंशन इस डायरेक्शन में, यहाँ पे टेंशन इस डायरेक्शन, तो टी रख देते हैं। तो यहाँ पे एक टेंशन दिखा दिया हमने टी। अच्छा और भी कोई फोर्स है क्या, या सिर्फ दो ही फोर्स है? सर और एक नॉर्मल, मतलब जो नीचे तरफ जाएगा, मतलब अर्थ की तरफ, अर्थ की तरफ, अर्थ की तरफ जाएगा, मतलब एक तो वेट लगेगा नो डाउट,
अगर अर्थ पे रखा हुआ है सरफेस तो वेट लगेगा नो डाउट, और ऊपर की डायरेक्शन में एक और फोर्स आएगा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल यहाँ पे कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर यहाँ पे नॉर्मल आएगा, तो ये हो जाएगा एम वन ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम। उसी तरह फ्रिक्शन ने लेगा कुछ, फ्रिक्शन अभी है ही नहीं ना, हम ये बोल रहे हैं हाँ, सॉरी मतलब वो स्मूथ है, हाँ, हाँ, सर, हाँ। ठीक है, कुछ नहीं मेंशन मतलब वो स्मूथ है। अच्छा फिर अगर आप देखोगे एम टू ब्लॉक के बारे में अगर बात करें, तो सपोज ये एम टू ब्लॉक है, एम टू ब्लॉक में अगर आप देखोगे तो इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में इस बार कोई फोर्स नहीं है, जो भी फोर्स है वो आगे की तरफ है, और उसको मैंने बता दिया टेंशन, आगे की तरफ जो फोर्स है वो है टेंशन। फिर इसमें एक फोर्स लगेगा ऊपर के डायरेक्शन में जो सरफेस अप्लाई कर रहा है उसका, उसको हम क्या लिख देंगे नॉर्मल। अब इसको रख देते हैं एन वन, इसको रख देते हैं एन टू, दोनों के नॉर्मल अलग अलग होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे क्या करेंगे वो सीख जाएंगे अभी। और क्या है इसमें लगा देंगे इसका वेट एम टू जी, आया क्या समझ में, थोड़ा बहुत समझ में आया क्या फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं? यस सर। यस सर। जब तक फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं सीखोगे आप कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। मान लो एक और क्वेश्चन, एक ट्रायंगुलर वेज है, वेज मतलब लकड़ी का टुकड़ा, ये वेज नॉन वेज नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, ट्रायंगुलर वेज मतलब इस तरह का लकड़ी का टुकड़ा, यहाँ पर एक पुली फिक्स्ड है, ठीक है, रोप से एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे अटैच है एम वन मास का, और एक ऑब्जेक्ट यहां पर अटैच्ड है M2 मास का। इस पूरे अरेंजमेंट को हमने अर्थ के सरफेस पे रख दिया है, इस पूरे ऑब्जेक्ट को हमने एक सरफेस पे ऐसे रख दिया है। मान लो जो वेज है, ये जो वेज है, वेज का मास कितना है M3 है। अब आपसे बोला गया है ड्रॉ द FBD ऑफ, ड्रॉ द FBD ऑफ M1, M2, M3, मान लो ये बोला गया है, कोशिश करो M1, M2, M3 के FBD बनाने हैं। वो पुली मासलेस होगा ना? पुली मासलेस है, हाँ पुली मासलेस है, और वो उसके साथ फिक्स्ड है। हाँ सर कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया तीनों का, M2, M3, M1। हाँ तीनों का। ओके ठीक है, सुनानी हम लोग देखते हैं। सिर्फ 21 पार्टिसिपेंट्स आए हैं, मैंने कितना रिक्वेस्ट किया था उस समय कि आना भाई आना आना, आई नहीं है। हाँ सर हो गया, दो लोगों का हो गया, वेरी नाइस, मेरा भी हो गया, तीन हो गए, और किसी का सर हो गया, चार हो गए, हाँ सर मेरा भी हो गया, पांच हो गए, हाँ सर मेरा भी हो गया, यस आठ हो गए, वेरी नाइस। देख लेते हैं अब, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए एक बार वापस से बना लेते हैं। मुझे जहां तक लगता है M1 M2 का ऑलमोस्ट सबने सही बनाया होगा, गलती अगर किसी ने की होगी तो वो M3 वाले में की होगी, वो आपका मिस्टेक नहीं है, वो अभी मैंने बताया नहीं इसलिए वो आप शायद नहीं की होगी आपने। देखो M1 वाले के बारे में अगर सोचे, ये पूरा एक ही थ्रेड है, मतलब जितना टेंशन यहाँ पर होना चाहिए उतना ही टेंशन यहाँ पर होगा, वही टेंशन यहाँ पर होगा और वही टेंशन यहाँ पर होगा। अब अगर M1 के बारे में बात करेंगे तो M1 में इस बार M1 में कोई नॉर्मल रिएक्शन है क्या? M1 में कोई नॉर्मल फोर्स लग रहा है क्या इस बार? नहीं सर, इस बार M1 तो किसी के साथ कांटेक्ट में है नहीं, वो तो हवा में तैर रहा है, तो अगर वो हवा में तैर रहा है तो क्या क्या फोर्स दिखाएंगे? एक तो टेंशन दिखाएंगे इन द अपर डायरेक्शन, और एक वेट होगा, और एक इसका वेट दिखाएंगे सर, दोनों तो इक्वल होगा। हाँ दोनों अभी इक्वल है, क्या है नहीं पता, अभी वो एक्सेलरेशन नेट फोर्स सब सीखेंगे तब बताएंगे। अच्छा एम टू के बारे में सोचो, एम टू के बारे में अगर आप सोचोगे तो एम टू ब्लॉक ऐसे रखा, तो कॉन्टेक्ट में है तो उसमें नॉर्मल फोर्स नहीं लगेंगे, M2 में लगेगा ना, M1 में लगेगा, अभी तो M1 का बनाया ना, M1 में कोई नॉर्मल नहीं है, M2 के बारे में जब लिखेंगे तो होगा शायद नॉर्मल। अभी देखो सबसे पहला M2 में दिखाना है उसका वेट, अब वेट ऑब्जेक्ट सीधा रखा हो उल्टा रखा हो टेढ़ा रखा हो, वेट हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे। सबने ऐसा दिखाया क्या वेट? अगर किसी ने वेट ऐसा दिखाया है तो वो गलत है, अगर कोई वेट को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो गलत है, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने बोला है, तो ये M2G का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब देखो ये जो M2 ब्लॉक है
और ये वेज का जो पार्ट है, ये जो वेज का जो सरफेस है, इनके बीच में कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ पर आ जाएगा एक नॉर्मल। अब नॉर्मल हमेशा आना चाहिए कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये कॉन्टैक्ट सरफेस था, कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर मैंने नॉर्मल दिखा दिया, और क्या होगा, धागे का टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा, तो टेंशन इस डायरेक्शन में। ये तीन फोर्सेस हैं जो M2 ऑब्जेक्ट में लग रहे हैं। सबने सही ड्रॉ किया था क्या? यस सर। यस सर। आपको ये ध्यान रखना है कि M2G का डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होना है, नॉर्मल का डायरेक्शन हमेशा क्या करेंगे, वो जो प्लेन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर दिखाएंगे नॉर्मल का डायरेक्शन। तो ये नॉर्मल, M2G और टेंशन, ये तीन फोर्सेस थे। अब M3 वाले वेज में अगर आप देखोगे ना, तो M3 में ये पुली जो है वो जुड़ा हुआ है, वो इससे अलग नहीं है। तो जब आप M3 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, मान लो ये जो वेज है, इस वेज का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, वेज सरफेस में ऐसा रखा हुआ था और वेज के पास लगा हुआ है एक पुली। अब ये जो पुली है ना, वो वेज का पार्ट है। इस बार वेज का पार्ट है मतलब दोनों कनेक्टेड है। अगर दोनों कनेक्टेड है तो सबसे पहला फोर्स आप क्या दिखाओगे, सबसे पहला फोर्स दिखाओगे इसका वेट M3G इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब अगर ये कॉन्टैक्ट सरफेस है तो एक नॉर्मल आएगा। अब वहां पे नॉर्मल हमने क्या रखा था, देखो इस वाले डायग्राम में, इस प्रीवियस वाले पेज में, ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है, ये पुली के सरफेस, ये यहाँ पे क्या था, वेज के सरफेस ने M2 पर अप्लाई किया था। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ग्राउंड और ये जो सरफेस है और ये जो पुली, सॉरी वेज का जो सरफेस है और ये जो बॉटम वाला सरफेस है, इन दोनों के बीच में भी कॉन्टैक्ट है, तो यहां से भी एक नॉर्मल आएगा। अब अगर ये कॉन्टैक्ट ऐसा है तो इस कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर मैं इस नॉर्मल को लिख दे रहा हूँ, नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड, तो मैंने लिख दिया N सबस्क्रिप्ट G। सर नहीं आया समझ में, ये बात समझ में आ रहा है क्या सबको? यस सर। ये समझ में आ रहा है, ये नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड पहले वाले नॉर्मल से अलग है। समझ में नहीं आया। ये देखो, ये देखो, यहां और यहां पर भी कॉन्टैक्ट है ना, जहां yes, पर दो भी जहां पर भी दो सर्फेसेस के कॉन्टैक्ट होंगे तो दोनों सर्फेसेस के बीच में एक नॉर्मल फोर्स डेवलप होगा। तो ये वेज जो है, ये क्या कर रहा था, ये वेज सर्फेस को ऐसे प्रेस कर रहा है नीचे की तरफ, तो सर्फेस ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई करेगा, ऊपर की तरफ जो फोर्स है उसको हमने क्या बोल दिया, नॉर्मल अप्लाइड फ्रॉम ग्राउंड। तो ये जो वेज है इसमें एक नॉर्मल लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, जिसको किसने अप्लाई किया, ग्राउंड ने अप्लाई किया। एक और नॉर्मल होगा जो ये M2 अप्लाई करेगा M3 पर, ये M2 क्या करेगा, M3 पर नॉर्मल इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा। जैसे M2 पे नॉर्मल इस ऊपर की तरफ आया था, अगर मैं वेज के बारे में बात करूं तो वेज में जो नॉर्मल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा क्या? सर नहीं आया समझ में ये बात। ये दोनों नॉर्मल का डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? ये नॉर्मल जो N है वो M2 मास अप्लाई कर रहा है, और ये जो सरफेस है जिसपे ये वेज वाला सिस्टम रखा हुआ है वो भी एक नॉर्मल अप्लाई करेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो उसको मैंने बता दिया नॉर्मल फ्रॉम द ग्राउंड। क्लियर है क्या ये? हाँ ना सर। ये M2 वाला तो ऊपर तरफ दिखाएगा ना, नहीं मतलब M2 पर, देखो ये जो M2 मास है, जब मैंने M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था तो M2 का फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करेंगे, M2 पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो दिखाएंगे। अब आपने पढ़ा है ना एक्शन रिएक्शन पे, अगर ये M2 मास पे वेज फोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई कर रहा है तो M2 मास भी वेज पे फोर्स अप्लाई करेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। मैंने नहीं बताया है लेकिन आपने लोअर क्लासेस में तो पढ़ा है ना एक्शन रिएक्शन पे। हाँ सर। सर मतलब मैं बोली कि M2 का तो मतलब जो ये वेज पे दिखा रहा हूं मैं, M2 का नॉर्मल, हां M2 का नॉर्मल इस डायरेक्शन में, वेज पे लगने वाला नॉर्मल ऐसा होगा, ये वेज पे दिखा रहे हैं ये नॉर्मल, इसको मैं रेज कर देता हूं। ये जो नॉर्मल मैंने बनाया है ये वेज पे लग रहा है, जो वेज है वेज पे मैंने नॉर्मल दिखा दिया इस डायरेक्शन में। आया क्या समझ में? यस सर। यस सर। दो नॉर्मल है, किस पे नॉर्मल लग रहा है वो कंफ्यूजन हो गया। एक मिनट, देखो देखो देखो, यहाँ पर कहना है ये M2 ब्लॉक जो था वो इसके सरफेस पे रखा हुआ है। अब अगर सरफेस कहीं पर भी बनता है तो सरफेस के परपेंडिकुलर क्या होगा, नॉर्मल फोर्स आएगा। अब M2 के पर, अब ये जो M2 ब्लॉक था उस पे नॉर्मल अगर अपवर्ड डायरेक्शन में लगा है तो ये M2, अगर ये जो सरफेस, ये सरफेस M2 को ऊपर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये जो M2 ब्लॉक है
वो सरफेस को डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेस करेगा क्या? एक्शन रिएक्शन पेयर ऐसा ही होता है ना, अगर ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, अगर एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं, तो इस वाले ऑब्जेक्ट ने इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया और ये वाला ऑब्जेक्ट इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा क्या? यही तो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है ना। आ रहा है क्या समझ में अभी? सर मतलब आप बोल रहे हैं कि M2 वाला जो है वो ऊपर वाला नॉर्मल एक्शन कर रहा है और वेज की तरफ एक्शन कर रहा है। देखो ये जो M2 ब्लॉक है, ये जो M2 ब्लॉक है इस पे नॉर्मल लग रहा है। कौन अप्लाई कर रहा है? वो जो वेज है, वेज ने M2 ब्लॉक पे नॉर्मल ऊपर अप्लाई किया। लेकिन अगर ये वेज M2 ब्लॉक को ऊपर धक्का दे रहा है तो ये जो ब्लॉक है वो भी तो वेज को नीचे धक्का देगा। एक्शन रिएक्शन पेयर सुना होगा आपने लोअर क्लासेस में, ये बोलते हैं ना कि जितना फोर्स वेज इस M2 पे लगाएगा उतना ही फोर्स ब्लॉक इस वेज पे लगाएगा ना, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, हाँ या ना? यस सर। तो अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर दो कॉन्टैक्ट है, एक इधर कॉन्टैक्ट बन रहा है तो इधर एक नॉर्मल होगा और एक इधर कॉन्टैक्ट बन रहा है तो इधर भी एक नॉर्मल होगा। तो जो वेज है हमारे पास, इस वेज को दो नॉर्मल फोर्सेस मिलने वाला है। ये जो नॉर्मल है ये ग्राउंड से आ रहा है, ग्राउंड को ये प्रेस कर रहा था तो ग्राउंड ने एक नॉर्मल प्रोवाइड किया इन द अपर डायरेक्शन। इस वाले कॉन्टैक्ट के कारण एक नॉर्मल ऊपर आया और यहां पर भी एक कॉन्टैक्ट था, इस कॉन्टैक्ट के कारण जो नॉर्मल होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा। अब ये जो एन वाला नॉर्मल है ये किसके कारण एक्ट हो रहा है? ये एन वाला जो नॉर्मल है वो ब्लॉक के कारण एक्ट हो रहा है। कौन सा ब्लॉक? एम टू ब्लॉक के कारण। आया क्या समझ में? हाँ सर। यस सर। क्लियर है सबको? yes. समझ में आया ये बात? यस सर। यस। ये जो पुली है, पुली तो इस वेज का ही पार्ट है। अब पुली पे अगर देखोगे तो पुली पे एक टेंशन इधर लग रहा है और पुली पे एक टेंशन इधर लग रहा है। तो ये पूरा जब आप बनाओगे ना, ये टेंशन, ये नॉर्मल फ्रॉम ग्राउंड, ये नॉर्मल फ्रॉम ब्लॉक और ये इसका वेट, ये सारे फोर्सेस जब दिखाओगे तो दिस विल बी द फ्री बॉडी डायग्राम फॉर वेज। वेज का फ्री, हाँ बोलो। दे सकते हैं मतलब सर ऐसा वाला, मतलब थोड़ा ऐसा डी, मतलब एग्जांपल मैं कराता हूँ, अभी एग्जांपल कराऊंगा, परेशान मत हो, मैं अभी एग्जांपल कराऊंगा। आप ये देखो कि ये वाला समझ में आया कि नहीं, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या सबको? तो फिर हम M2 ब्लॉक का भी ये नहीं हो सकता है क्या? नॉर्मल M2 ब्लॉक पे है ना नॉर्मल। जब M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो M2 पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो दिखाना है। जब M3 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो M3 ब्लॉक पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो दिखाना है। तो जब M2 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो नॉर्मल ऊपर चला गया, लेकिन जब आप M3 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो नॉर्मल नीचे आ गया ना सर। M2 ब्लॉक का, लेकिन क्यों? M2 ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो नॉर्मल ऊपर चला गया। यस ठीक है। M3 ब्लॉक का, ये M3 जो वेज है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो नॉर्मल इधर आ जाएगा ना, इस डायरेक्शन में। सर लेकिन क्यों आएगा M2 का? मैं तो उस वक्त, ये M2 का नहीं है भाई, ये M3 का है। ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ये M3 पे लग रहा है, ये नॉर्मल M3 पे लग रहा है और ये नॉर्मल M2 पे लग रहा है। यस सर। समझ में आया ना, हाँ या ना? यस सर। आपको समझ में आया? मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको सर। वो M3 वाला, M3 वाला, हाँ सर ठीक है, वो डायग्राम से, बस डायग्राम देखना है, ये डायग्राम क्लियर है? हाँ सर। ओके, तो मान लो नेक्स्ट पेज, मान लो क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन है सरफेस, ये बड़ी सी वेज रखी हुई है, रेक्टेंगुलर वेज, इस बार रेक्टेंगुलर वेज ऐसी रखी हुई है, एक पुली यहां पर है, एक पुली यहां पर है, एक पुली यहां पर है, धागा इधर गया, धागा इधर गया, धागा इधर गया, ये M1 ब्लॉक है, ये M2 ब्लॉक है, M1 M2 का फ्री बॉडी डायग्राम और ये M3 है, M1 M2 M3 का फ्री बॉडी डायग्राम।
आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। ये पुली वन, ये पुली टू, M1, M2, M3 का फ्री बॉडी डायग्राम। हो गया सर? हो गया, ठीक है अलीना, हम लोग चेक करते हैं। हाँ सर, हो गया। दो, ठीक है सर, कंप्लीट। ठीक है, तीन, वेरी नाइस, तीन लोगों का हो गया। हाँ सर, हो गया। चार हो गए, ठीक है। यस सर। पांच हो गए, ठीक है। यस सर। छह हो गए, सात हो गए, और किसी का? यस सर। आठ हो गए, ठीक है। दानिश? यस सर। हो गया? यस सर। हाँ सर, ठीक है, वेरी नाइस। पुण्या पारुल? यस सर। ठीक है, ऋतुपर्णा? यस सर। ऑलमोस्ट बहुत लोगों का हो गया है, और ये आसान भी, मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम हुआ होगा। मान लो अगर मुझे M2 का बनाना है, M2, तो M2 में एक तो इसका वेट लगेगा नीचे M2G, और ऊपर लगेगा टेंशन T। अगर M1 का बनाना है तो एक तो M1 का वेट लगेगा नीचे M1G, और ऊपर दिखा देंगे टेंशन। एक ही थ्रेड है तो हर जगह सेम टेंशन होगा। M3 का अगर बनाओगे, M3 का अगर बनाओगे सर, तो ये P1 P2 के बीच में भी ड्रॉ करेंगे ना? P1 T2 के बीच में, मतलब P1 P2 के बीच में T1 T1 T3 दिखाएगा ना? तो ये पूरा तो सेम थ्रेड है ना, एक ही थ्रेड घूम के यहाँ से यहाँ चला गया। हाँ, तो टेंशन तो सेम होना चाहिए ना? हाँ सर, नहीं P1 P2 के फिर भी एरो दे देंगे ना उसमें? हाँ, एरो हम दे देंगे P1 P2 के मिडिल में, P1 P2 में एरो दे देंगे। ये पुली P1 है, ये पुली P2 है। अब अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो सबसे पहले दिखा देंगे इसका वेट। सबसे पहले क्या दिखा देंगे? इसका वेट M3G। फिर क्या दिखाएंगे? ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है तो ग्राउंड एक नॉर्मल लगाएगा ऊपर के डायरेक्शन में NG। और क्या होगा? ये जो P2 पुली है, यहाँ पे टेंशन T होगा इस डायरेक्शन में, यहाँ पे टेंशन T होगा इस डायरेक्शन में, यहाँ पे टेंशन T, और यहाँ पे टेंशन T। सबने बनाया क्या ऐसा डायग्राम? Yes, सबका सही है ना? हाँ सर। Yes, sir. ये आसान हो गया, थोड़ा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा भी नहीं। बोलो 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 सर। बन तो गया सर, मतलब वो इतनी क्लैरिटी नहीं है टेंशन में, वो चरखे का, चरखा नहीं पुली में इतना। हाँ, पुली में क्या प्रॉब्लम है बोलो सर? टेंशन ऊपर की ओर भी लगता है, नीचे की ओर भी, तो सर थोड़ा टेंशन। देखो टेंशन हमेशा, ये रोप है ना, तो टुवर्ड्स द रोप आप दिखाओ और अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। जिस डायरेक्शन में भी रोप होगा उसकी तरफ दिखा दो, टुवर्ड्स द रोप अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, 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 टुवर्ड्स द रोप अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। दिखा देंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो इतने मच्छर है ना मेरे घर में बरसात के बाद, मेरे को ना डेंगू करा दे ये लोग। ये ग्राउंड है, सब कुछ ग्राउंड से ऊपर है, ठीक है? ऐसा मत सोचना कि ग्राउंड से नीचे चला गया क्या, जमीन तोड़ता हूं अंदर चला गया कि सर क्या ब्लॉक, नहीं, सब कुछ ग्राउंड से ऊपर ही है, ठीक है? M1, M2, M3, M4 का फ्री बॉडी डायग्राम। M1, M2, M3, M4 का फ्री बॉडी डायग्राम।
सर कंप्लीट कंप्लीट हो गया ठीक है एक मिनट रुक जाओ देखते हैं हम लोग चेक करते हैं M1, M2 का बहुत आसान होगा M3 का भी बहुत आसान होगा M4 भी इस बार आसानी होगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपके लिए सीख गए हो शायद एक का आंसर आया सर ये दोनों दोनों पुली ये M4 के दोनों पुली M4 के पार्ट है ना नहीं ये तो थ्रेड से कनेक्टेड है ना सिर्फ ये जो पुली होगा ना ये पुली सिर्फ M4 का पार्ट है ये तो थ्रेड से कनेक्टेड है हाँ सर यस दो सर मेरा हो गया तीन यस सर चार तो मेरा भी हो गया पांच मेरा हो गया छह मेरा भी हो गया सात सर मेरा भी हो गया आठ ठीक है हाँ सर हो गया ठीक है बहुत बहुत ही आसान है बहुत लोगों का हो गया M1 का अगर बनाना है ना अब इस बार आपको ध्यान क्या रखना होगा देखो यहाँ पे टेंशन T है यहाँ पे टेंशन T है इतने मच्छर है ना यार मार डालेंगे मेरा कोई लोग यहाँ पे टेंशन टी है यहाँ पे टेंशन टी है तो वही टेंशन यहाँ पर होगा वही टेंशन यहाँ पर होगा लेकिन इस वाले थ्रेड में टेंशन टी होगा क्या नहीं वो टेंशन चेंज हो जाएगा यहाँ पे टेंशन ये थ्रेड अलग था ये थ्रेड अलग है और अगर आपको याद हो मैंने अभी बताया था कि अगर ये पुली मासलेस है तो जितना फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है उतना ही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए मतलब यहाँ पे टेंशन टूटी लगना चाहिए और यहाँ पे टेंशन टूटी लगना चाहिए हाँ या ना yes, sir. फिर क्या करेंगे जितना टेंशन इस डायरेक्शन में है उतना ही टेंशन इस डायरेक्शन में दिखा देंगे तो ये सबसे पहला काम क्या करना है जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप टेंशन डिस्ट्रीब्यूट कर दो जितने भी थ्रेड्स हैं सारे थ्रेड्स का टेंशन डिस्ट्रीब्यूट कर दो अब अगर M1 वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे ये M1 ब्लॉक है M1 ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो सबसे पहला फोर्स दिखाएंगे उसका खुद का वेट M1g और ऊपर की तरफ दिखा देंगे टेंशन ऊपर की तरफ दिखा दिया हमने टेंशन T उसी तरह ये जो M2 ब्लॉक है M2 ब्लॉक का अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो एक तो इसका वेट दिखा देंगे M2g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और ऊपर की तरफ दिखा देंगे टेंशन T ये हो गया अब ये जो P2 पुली है P2 पुली मासलेस है नेट फोर्स जीरो है तो कभी इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने कोई फायदा नहीं है तो P2 के बारे में कुछ नहीं लिखेंगे M3 के बारे में अगर आप सोचोगे तो ये जो M3 ब्लॉक है सबसे पहला फोर्स इसका वेट M3g फिर अगर ये यहां से कांटेक्ट में है तो नॉर्मल लगेगा इसको ऊपर के डायरेक्शन में ये नॉर्मल हो गया एन और क्या है इस डायरेक्शन में एक फोर्स है जो थ्रेड अप्लाई करेगा दैट विल बी इक्वल टू 2t तो ये हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम हो गया फॉर दिस M3 ब्लॉक M3 ब्लॉक का भी हो गया अब अगर वेज का फ्री बॉडी डायग्राम देखोगे तो वेज का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं ये वेज वेज ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है अगर ये वेज ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है तो सबसे पहले तो फोर्स दिखा देंगे इसका खुद का वेट M4g इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन फिर क्या करेंगे अगर ये कांटेक्ट में था तो यहां पे एक नॉर्मल लगाते हुए दिखा देंगे यहां पे दिखाएंगे एक नॉर्मल नॉर्मल इन द अपर डायरेक्शन अब ये ग्राउंड से आ रहा है तो मैंने इसका नाम रख दिया ng अब देखो अगर m3 को नॉर्मल अपर डायरेक्शन में मिला था तो m3 m4 पे नॉर्मल अप्लाई करेगा इस डायरेक्शन में तो ये नॉर्मल मैंने n रख दिया ये m4 पे जो नॉर्मल है वो इस डायरेक्शन में और क्या है ये जो पुली है p1 ये पुली p1 इस वाले वेज से कनेक्टेड है तो एक टेंशन यहां पे दिखा देंगे 2t का और एक टेंशन यहां पर दिखा देंगे 2t का तो ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम आया क्या समझ में सही है क्या आपने टेंशन का मिस्टेक किया होगा बाकी सब सही किया होगा टेंशन भी ठीक है सही है वेरी नाइस अगर टेंशन भी सही है सारे फोर्सेस भी सही है तो फिर वेरी नाइस
लाजवाब कोई जवाब। हाँ बोलो। सेकंड पुली का क्या होगा? सेकंड पुली का देखो, सेकंड पुली के बारे में अगर देखोगे तो सेकंड पुली का कोई मास तो है नहीं। सेकंड पुली में एक टेंशन इधर दिख रहा है, एक टेंशन इधर दिख रहा है, और क्या हो जाएगा, टू टी टेंशन इधर चला जाएगा। तो ये पुली टू का है, फ्री बॉडी डायग्राम। आया समझ में? यस सर। अब ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। अब अपने को क्या करना है, अपने को स्टार्ट करना है न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो वो कल स्टार्ट करते हैं। एक तो मेरे को मच्छर भी बहुत परेशान कर रहे हैं और स्ट्रेंथ उतनी नहीं है जितना मैंने सोचा था। तो हम क्या करते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ स्टार्ट करते हैं कल वाले लेक्चर में। ठीक है? नहीं, कल टेस्ट भी बोला है ना, तो टेस्ट का मैं देखता हूँ, या तो लेक्चर के टाइम पे लूंगा या शाम को मैं बता दूंगा। तो कल सुबह मैं इन्फॉर्म कर दूंगा, आप सुबह वाले टाइम में प्रिपेयर। शाम को ले लो, शाम को ले लो। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। शाम काइनेमेटिक्स, पूरा काइनेमेटिक्स, पूरा काइनेमेटिक्स बोला था ना? हाँ सर। यस सर। हाँ, पूरा काइनेमेटिक्स मतलब रिवर बोट प्रॉब्लम, रेन मैन प्रॉब्लम। यस सर। ठीक है, ये सब कुछ आएंगे, ग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे। तो ये सब आप प्रिपेयर करके रखो, 20 क्वेश्चंस दूंगा, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो देखते हैं अपन अगर सुबह वाले के लेक्चर में। एमसीक्यू, एमसीक्यू। हाँ, मतलब आप जय माता दी लगा सकते हो एमसीक्यू। सर फुल मार्क्स 20 ना? फुल मार्क्स 20। चलो फिर एंड करते हैं मीटिंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पोस्ट कर दोगे YouTube पे? हाँ, ये YouTube पे जाएगा ये। आजी हाँ, अभी डाल दूंगा। थैंक यू सर। हाँ ठीक, आप आए क्यों नहीं लेक्चर में? सर एक्चुअली मैं बायो पढ़ के थोड़ा सो गया था थोड़ा देर के लिए, वो फिर थोड़ा लेट हो गया। कोई बात नहीं, ठीक है, चलो मैं एंड कर रहा हूँ इसको। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।